हमारे पास करोल बाग मार्केट में जो गाड़ी है या मॉडिफिकेशन के लिए है वो है मारुति सुजुकी अर्टिगा LXI वेरिएंट। ये इसका बेस वेरिएंट है और इस बेस वेरिएंट में आपको मैं दिखाऊंगा कि क्या क्या काम आफ्टर मार्केट करवाया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रोजेक्टर लाइट में इसको लगाया गया है, काफ़ी अच्छी लुक आ रही है। आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसी लग रही है, क्योंकि ये बेस वेरिएंट है तो बेस वेरिएंट में वैसे भी कुछ ज़्यादा कुछ आता नहीं है कंपनी की तरफ से, लेकिन आफ्टर मार्केट जो भी चीज़ों का इंस्टॉलेशन कराया जा रहा है वो सब आपको यहाँ पर एक एक करके मैं दिखा देता हूँ। जैसे आप सबसे पहले आपको मैं फ्लोरिंग दिखाऊंगा। गाड़ी की सीट्स निकाली गई हैं क्योंकि यहाँ पर फ्लोरिंग का काम होना था। अब फ्लोरिंग का काम वैसे कम्प्लीट हो चुका है और सीट के इंटीरियर यानी कि गाड़ी का जो इंटीरियर है उसी के अकॉर्डिंग सीट जो यहाँ पर फ्लोरिंग करी गई है उसका कलर भी वैसा ही रखा गया है। अब अगर मैं आपको डोर्स में दिखाऊं तो यहाँ पर आपको पंक ऑडियो के स्पीकर्स देखने के लिए मिलेंगे। अभी एक डोर पे लगाए भी जा रहे हैं, अभी मतलब यानी कि स्पीकर का काम हो रहा है। सीट पे आप देखेंगे जैसा कि सीट पे भी काम चल रहा है और सीट पे बकेट फिटमेंट कवर चढ़ाए गए हैं जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अब थोड़ा सा अब गाड़ी का काम एक बारी कंप्लीट हो जाए तो आपको वो भी मैं कंप्लीट तरीके से दिखा दूंगा। और क्योंकि ये बेस वेरिएंट है तो यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पे जो डोर हैंडल्स हैं ये ब्लैक में आते हैं, बॉडी कलर नहीं आते हैं, बट यहाँ पर अभी सिल्वर का काम किया जाएगा। आपको जो गार्निश है ये भी अभी क्रोम में ही लगेगी, ये सब दिखाऊंगा मैं। और यहाँ पर साइड क्लैडिंग लगाई जाएगी अर्टिगा की बैजिंग के साथ, जो कि आप ये देखेंगे ये स्टिकर नहीं है, ये काफ़ी उभार के साथ है, इसका डिज़ाइन ही ऐसा है, ये उभार के साथ है। अगर आपको मैं थोड़ा सा पास से दिखाऊँ, बहुत प्यारी लग रही है पूरी अर्टिगा की बैजिंग के साथ। फ्रेंड्स फाइनली इस अर्टिगा में काम अब कंप्लीट हो चुका है और अब बारी आ गई है आपको दिखाने की कि इसमें क्या क्या चीज़ों का इंस्टॉलेशन कराया गया है। तो मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में दिखाया था कि यहाँ पर जो काम किया गया था वो इसकी जो मैंने सबसे पहले आपको फॉग लाइट्स दिखाए थे, फॉग लाइट इस तरह की हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर आपको वाइट LED लाइट लगाई गई है और साथ में आप यहाँ पर जो रिंग देखेंगे ये भी DRL का ही काम करती हैं। अगर हम यहाँ पे आएँ उस टाइम पे येलो लाइट्स आपने हेडलैम्प्स में येलो लाइट देखी थी, बट अब यहाँ पर इसको प्रॉपर वाइट किया गया है। इसमें LED लाइट्स लगाई गई हैं, वाइट LED लाइट्स। साथ में ये स्ट्रिप आप देखेंगे तो ये टर्न इंडिकेटर के साथ आपको DRL लाइट्स देखने के लिए मिल जाती हैं। और मैं एक बार अगर आपको ध्यान से दिखाऊँ इसका फ्रंट तो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव लग रहा है मुझे। तो देखो भैया इंप्रेसिव लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताओ। वीडियो लाइक कर देना भैया अगर आपने अभी तक नहीं किया हो तो करते रहना, वरना आप लोग भूलते जाते हो। चलो अब थोड़ा सा साइड प्रोफाइल पे आते हैं। अब यहाँ पे आ गए हैं तो यहाँ पर एक बारी मैं थोड़ा सा आपको प्रॉपर व्यू दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या लुक आ रही है गाड़ी की। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे रूफ रेल्स, वैसे कुछ और दिखाने लग गया था मैं, शायद ध्यान कहीं और भटक गया था मेरा, कोई नहीं उसे छोड़ो। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे रूफ रेल्स जो यहाँ पर लगाए गए हैं किस तरह से है? ये डुअल टोन में आपको रूफ रेल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। बहुत ही प्यारी शानदार लुक आ रही है, ये मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। जो इसकी जो फिटिंग है वो प्राइमर लगाने के बाद इसमें टेपिंग की जाती है, तो इसकी मजबूती जो है वो काफ़ी अच्छी रहती है। आप इसके लिए बिल्कुल भी निश्चिंत रहें कि इसमें कुछ दिक्कत आएगी। खैर अब थोड़ा नीचे आता है, यहाँ पर आप देखेंगे डोर वाइजर्स का काम। डोर वाइजर्स यहाँ पे लगाए गए हैं, ये देखिए ये 3 हिस्सों में लगते हैं। एक हिस्सा जो पीछे है, फिर ये B पिलर की तरफ और फिर ये फ्रंट में आप देखेंगे आगे की तरफ। इसके नीचे अगर आएँ तो हम यहाँ पर देखेंगे जो क्रोम गार्निश का काम हुआ है, लोअर गार्निश का काम है, ये देखिए। अर्टिगा में सबसे खूबसूरत मुझे ये लगता है जो उसका बैक का जो पोर्शन है ये उठ जाता है, या फिर यहाँ से जो स्टार्ट होता है ये पूरा आगे तक एज तक गाड़ी को कवर करता है। इसके बाद मैं आपको डोर हैंडल्स दिखाऊंगा। डोर हैंडल्स क्योंकि इसमें ब्लैक आते हैं, आपको मैंने पहले क्लिप में दिखाया था, बट यहाँ पर आफ्टर मार्केट जैसे लगाए गए हैं तो यहाँ पर आपको सिल्वर क्रोम के साथ ये फिटिंग देखने के मिलती है, तो ये भी बहुत प्यारी लग रही है। अब अगर इसके साथ जो मैं आपको उस टाइम पहले भी दिखाया था अर्टिगा की जो स्किड प्लेट्स हैं ये आप देखेंगे, ये देखिए पूरी अर्टिगा की बैजिंग के साथ है। लगने के बाद कैसी लुक आ रही है अब आप खुद देख सकते हैं। तो अब चलते हैं थोड़ा सा रियर में और देखते हैं कि रियर में क्या क्या काम हुआ है। तो रियर में अगर मैं टॉप व्यू से या एक बार आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे जो उसका स्पॉइलर है ये, तो ये आफ्टर मार्केट इंस्टॉल किए गए हैं। आप कुछ इस तरह का जो स्पॉइलर है अपनी गाड़ी में अगर लगवाते हैं तो गाड़ी में एक स्पोर्टी लुक आ जाती है, आप ये देखिए। उसके साथ अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगा कैमरा प्लेसिंग, जो कि रिवर्स पार्किंग कैमरा है। वर्किंग कंडीशन में भी आपको मैं इसको दिखाऊँगा कि ये कैसे काम करता है। साथ में अगर आप थोड़ा सा और नीचे की तरफ ले जाऊँ तो यहाँ पर आप देखेंगे अर्टिगा की बैजिंग के साथ जो बम्पर गार्ड्स हैं ये लगाए गए हैं। किस तरह के हैं आप ये खुद देख सकते हैं। ये भी आपकी गाड़ी को जो कुछ पीछे से अगर कोई हिट होता है तो उससे थोड़ा गाड़ी को प्रोटेक्ट करते हैं। स्मार्ट ब्रीड गाड़ी है, स्मार्ट हाईब्रिड गाड़ी है क्योंकि ये LXI वेरिएंट है। वैसे तो अर्टिगा में सारे ही स्मार्ट हाईब्रिड आते हैं। खैर अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं कि गाड़ी के अंदर अब क्या क्या काम हो गया है। वाह शानदार लुक। पहले मैं आपको थोड़ा सा बाहर से ही दिखा रहा हूँ कि क्या क्या काम हुआ है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इंटीरियर का कुछ काम किया गया है जो कि वुडन फिनिश के साथ में है। इसके डोर्स पे आप ये देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा मटेरियल यहाँ पर यूज़ किया गया है जो कि ग्लॉसी है, बहुत प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर भी आपको आर्मरेस्ट पे भी मिल जाता है और कंट्रोल्स के साथ बहुत प्यारी इसकी लुक आ रही है, फिटमेंट काफ़ी अच्छी है। इसके साथ ही आपको दिखा दूं वेलकम लाइट्स। यहाँ पर देखिए वेलकम प्लेट्स जो हैं ये कुछ इस तरह की है, अर्टिगा की बैजिंग के साथ में है। तो ये काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। प्लीज़ कमेंट करो यार, प्लीज़ कमेंट करो, बताओ 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 कैसा लग रहे हैं। चलो अब थोड़ा सा और अंदर घुसे। लेकिन ये रहा इसका स्टीयरिंग व्हील जिसपे आपको कवर चढ़ाए मिलेंगे। यहाँ पर ये भी आफ्टर मार्केट ही इंस्टॉल किए गए हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं और बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा सीट कवर की तरफ। तो ये देखिए पूरी गाड़ी का जो अंदर से जो इंटीरियर है ना, उसी थीम पे इसको शुरू से लेकर के एंड तक रखा गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो मैंने आपको उस टाइम, भाई बहुत शोर आ रहा है गाड़ियों का, मेन रोड पर काम हो रहा है, अभी दिखाता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे सीट कवर का काम, क्या फिनिश है, बहुत प्यारी लग रही है। रिंकल फ्री बकेट फिटमेंट सीट्स यहाँ पर लगाई गई हैं, सेम बेज कलर में लगाई गई हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है, ये भी बहुत प्यारी लग रही हैं। उसके साथ आप एक और चीज़ पे ध्यान जाएगा तो ये जाएगा आर्मरेस्ट पे जो कि सेम मैचिंग का ही है और सिंपल सा है। आर्मरेस्ट बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है। आपको मैं थोड़ा सा इसमें फ्लैश ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह की जो आर्मरेस्ट है, आप इसमें कुछ स्टोरेज रख सकते हैं, कुछ सामान इसमें आराम से रख सकते हैं। तो ये भी आपको अभी मैं दिखाता हूँ गाड़ी के। इसके साथ अब मैटिंग अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए मैटिंग यहाँ पे सिंपल से मैटिंग रखी गई है। तो आप ये ऐसी मैटिंग आप देख सकते हैं। फ्लोरिंग का काम मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, फ्लोरिंग का काम जो हुआ था, तो ये रही इसकी फ्लोरिंग भी मैचिंग के साथ ही करी गई है, बहुत प्यारी लुक के साथ। दोस्तों अर्टिगा का ऑडोमीटर कैसा लगता है ये देख सकते हैं आप। ये कुछ इस तरह की लुक में आता है, बहुत प्यारी लुक है। खैर अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो अगली चीज़ जो इंस्टॉल हुई है वो हुई है सिस्टम, यानी कि 9 इंच की टच स्क्रीन सिस्टम यहाँ पर इंस्टॉल करी गई है। काफ़ी अच्छी लगती है देखने में, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिखा दिया था, बहुत ही प्यारी लुक के साथ मिल जाती है। आप ऐसा सिस्टम अगर गाड़ी में लगा लेते हैं ना तो कोई बोल नहीं सकता कि आपकी गाड़ी का ये बेस वेरिएंट है, कहीं से भी बेस वेरिएंट लगती तो नहीं है। साथ ही आप जैसे भी डैश पे भी कंप्लीट वर्क देखेंगे जो कि मैंने आपको उस टाइम पे डोर पे दिखाया था, तो ये इंटीरियर वर्क बहुत प्यारी लग रही है। आप भी बताइए कि आपको ये कैसी लग रही है। मैं थोड़ा सा फ्लैश ऑन कर देता हूँ एक बार। तो ये देखिए कुछ इस तरह की लुक है, बहुत प्यारी है। एजेस भी पूरे कवर किए गए हैं, तो अच्छा काम आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम हुआ है। आर्मरेस्ट पे भी काफी अच्छा है, डैश पे भी एक लुक निकल के सामने आ रही है। कंपोनेंट स्पीकर्स लगाए गए हैं चारों डोर्स में। खैर अब ये रही है आपकी सेकंड रो। यहाँ पर आप रियर सीट्स देखेंगे, सेकंड रो में किस तरह का काम हुआ है, बहुत प्यारी लुक निकल के सामने आ रही है। प्लीज आप ये भी मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। अब मेरा कैमरा बढ़ रहा है थर्ड रो की तरफ। ये देखिए दोस्तों सामान पड़ा है, इग्नोर कर देना सामान को। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे सीट्स प्यारी सी प्यारी लग रही है यार, बहुत प्यारा इसमें इंटीरियर काम हुआ है। और अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं वाइट लाइट, यहाँ पर भी आपको जो रूफ लाइट होती है ये येलो मिलती है, बट यहाँ पर इसके बल्ब जो हैं वो चेंज किए गए हैं, टोटली वाइट कलर दोनों जगहों पे कराए गए हैं। वो जल नहीं रहे हैं बट अभी आप ये देखिए। तो इस तरह की आपको कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। गियर पे कुछ ज़्यादा वर्क नहीं है, बट यहाँ पर एक जो गियर कवर है नॉब पे ये यूज़ किए गए हैं, तो ये भी थोड़ी सी ग्रिपिंग आपको दे देती है। रबड़ की है, डॉटेड है, अच्छा लग रहा है। साथ ही इस कार में जो है सेंटर लॉकिंग भी लगाई गई है, उसकी की आप इस तरीके की देख सकते हो सेंटर लॉकिंग की। तो चारों अपनी सेंटर लॉकिंग भी की गई है, साथ ही एक फ्लिप की भी बनवाई गई है, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ सर एक बार। अच्छा, तो फ्लिप की आपको यहाँ पर इस तरीके की देखने को मिलती है, एक वो सेंटर लॉकिंग की थी और ये नॉर्मल जो फ्लिप अपनी फ्लिप की है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये कुछ इस तरीके से वर्क करती है, आप इसको देख सकते हो, ये देखिए आप। और इसमें ही आपको लॉक अनलॉक के बटन भी सारे मिल जाते हैं और काफ़ी हैवी है, प्रीमियम फील देती है, पीछे सुजुकी का लोगो मिलता है, काफ़ी अच्छा लगता है जब इस तरीके की आप हाथ में पकड़े रखोगे, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल और अच्छी भी लगती है। फ्रेंड्स अब हमारे साथ बैठे हैं सौरभ, और सौरभ के पास ये सारा काम इस गाड़ी में करवाया गया है। सौरभ से हम जानेंगे कि सौरभ इस गाड़ी पे क्या बजट था, कितना खर्चा है, ये सब हमारे व्यूअर्स को आप प्लीज बताएं। भैया का रेंज था 40,000 तक का, उससे नीचे तक का ही रेंज था उनका, पर हमने इसका काम 35, 60 तक इसका कर दिया, हमने 36 तक का, 36 तक में काम पूरा आपका कंप्लीट हो गया हर एक काम। हाँ जी ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे आप यहाँ पे सौरभ ने बताया कि लगभग 35 से 36 हज़ार रुपये में ये काम कंप्लीट हो गया है। तो सौरभ ये तो खैर इसका ये बेस वेरिएंट था। हाँ, बेस अगर वेरिएंट, इसका कोई भी वेरिएंट आता है, हाँ, अपनी डिमांड से अगर कोई भी चीज़ लगवाना चाहते हैं, अगर हम ग्रिल चेंज करवाना चाहते हैं, हर एक चीज़ होता है सर, आफ्टर मार्केट कुछ भी हो सकता है, टॉप मॉडल वाला, आफ्टर मार्केट वाला, हर एक काम हो जाता है अपने पास, कोई ऐसा। और कोई भी गाड़ी हो कोई भी वेरिएंट हो, बेझिझक आप आ सकते हैं, अपनी मर्जी से अपने बजट के अंदर काम करवा सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अगर अभी तक लाइक नहीं करी हो कंजूसों, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कारखाना, क्योंकि हम आपके लिए लेके आते रहते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो कि फ्यूचर में आपके काम आ सकती है। से स्टार्ट नहीं होगी कभी।